वोल्केनो के इरप्ट होने से अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट हॉट मॉल्टन मटेरियल, डस्ट, वाटर वेपर और डिफरेंट गैसेस बाहर आती हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इमेजिन कीजिए कि वोल्केनो इरप्ट होने के बाद कैसा दिखता होगा, तो ऑब्वियस है आप कहोगे कोन या माउंटेन जैसा, कुछ इस तरह का जो अक्सर हम पिक्चर्स में देखते आए हैं। बट ऐसा नहीं है, वोल्केनोस किस तरह इरप्ट होते हैं और इरप्ट होने के बाद किस तरह के शेप को फॉर्म करते हैं, इन बेसिस पर वोल्केनोस को मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वोल्केनो के मेजर टाइप्स हैं शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, काल्डेरा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, एट लास्ट मिड ओशियन रिज वोल्केनोस। एक एक करके इन्हें डिटेल से जानते हैं, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, शील्ड वोल्केनो। अर्थ पर पाए जाने वाले लार्जेस्ट वोल्केनो है शील्ड वोल्केनो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हवाई आइलैंड। इन आइलैंड्स का फॉर्मेशन मेनली वोल्केनो के इरप्ट होने से हुआ है। ये आइलैंड मोस्टली कंटेन करते हैं बसाल्टिक लावा। बसाल्ट एक तरह का रॉक है जो लावा के बाहर आने से फॉर्म्ड होता है। इन वोल्केनो का लावा काफी ज्यादा फ्लूइड और लेस विस्कस, मींस कम गाढ़ा होता है, जिस वजह से इसमें पाए जाने वाले मटेरियल की डेंसिटी काफी कम होती है और इसीलिए इसका लावा बाहर आते ही कुछ इस तरह फैलना शुरू हो जाता है। ज्यादा फ्लूइड होने की वजह से इन वोल्केनोज में लो एक्सप्लोसिविटी होती है, मींस ये बहुत ज्यादा धमाके के साथ इरप्ट नहीं होते हैं। बट अगर इनके वेंट में पानी चला जाए तो ऐसा होने पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये एक्सप्लोड हो सकते हैं। इरप्ट होने के बाद इनका लावा फाउंटेन की तरह स्प्रेड हो जाता है, जिससे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे सिंडर कोन कहा जाता है। नंबर टू, कंपोजिट वोल्केनोज। इन वोल्केनो का लावा बसाल्ट की कंपैरिजन में काफी विस्कस, मींस गाढ़ा होता है, जिस वजह से मटेरियल की डेंसिटी भी काफी हाई होती है। लावा के विस्कस होने की वजह से जब ये लावा वेंट में पहुंचता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से कंपोजिट वोल्केनो बहुत तेज एक्सप्लोड होता है। इन वोल्केनो के इरप्ट होने पर लार्ज अमाउंट में पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेस और डस्ट बाहर आता है। विस्कस मटेरियल होने की वजह से ही लावा बहुत दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाता है और जहां वेंट ओपन होता है उसी के आसपास एक्युमुलेट हो जाता है, जिस वजह से एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नंबर थ्री, काल्डेरा। इस तरह के वोल्केनो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, इतने कि जब ये इरप्ट होते हैं तब इनका कोई स्ट्रक्चर बिल्ड होने की बजाय पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कोलैप्स, मींस धस जाता है, जिस वजह से कुछ इस तरह का डिप्रेशन बन जाता है। इस डिप्रेशन को ही कहा जाता है काल्डेरा। बारिश हो जाने पर जब इस डिप्रेशन में पानी भर जाता है तब इसे कहा जाता है काल्डेरा लेक। एक्चुअल में इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तब होता है जब मैग्मा चैम्बर, जो लावा को अर्थ के ऊपर सप्लाई करता है, वो काफी बड़ा हो या क्रस्ट के काफी ज्यादा नजदीक हो। नंबर फोर, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। इस तरह के वोल्केनो का लावा काफी ज्यादा फ्लूइड होता है और ऐसा होने से वो काफी दूर तक फैल जाता है। वर्ल्ड में ऐसी कई जगह है जहां पर ये बसाल्टिक लावा थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठंडा होने पर लावा फ्लो होने की वजह से लैंड पर काफी मोटी परत जमा हो जाती है। कहीं कहीं पर यह थिकनेस 50 मीटर से भी ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का डेक्कन ट्रैप, जो आज मोस्टली महाराष्ट्र प्लेट्यू को कवर करता है। बहुत सालों पहले जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड साइड मूव कर रही थी तब वो एक ऐसे रीजन से निकली जहां से लगातार लावा फ्लो कर रहा था। ये लावा हाईली फ्लूइड था जो हमारे पूरे पेनिनसुला में फैल गया, जिस वजह से वहां आज ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन को ही फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस कहा जाता है। नंबर फाइव, मिड ओशियन रिज वोल्केनो। इन वोल्केनो का इरप्शन ओशन के अंदर होता है। ओशन के नीचे सरफेस में कई जगह हमारी लैंड टूटकर एक्सपेंड हो रही है, जिस वजह से रेगुलरली लावा बाहर आता रहता है। ओशन प्लेट्स के अलग होने से जब लावा बाहर आता है तो क्रिएशन होता है रिज का, मीन्स पर्वतों का। इस तरह की रिज पूरे अर्थ पर 70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओशनिक क्रस्ट लगातार डिसइंटीग्रेट होती है और बनती रहती है। तो ये थे वोल्केनो के कुछ मेजर टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।